महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस द्वारा आज शहर के संविधान चौक पर बढ़ती महंगाई, जासूसी प्रकरण, भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन किया गया। इस दौरान दुग्ध व पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार, अध्यक्ष जिला ग्रामीण कांग्रेस राजेंद्र मुलक, जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे और अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर मोदी सरकार का निषेध किया गया। संविधान चौक पर महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस द्वारा बढ़ती महंगाई, जासूसी प्रकरण, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया गया। इस दौरान राजेंद्र मुलक इन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिस कारण देश में बड़ी मात्रा में महंगाई बढ़ी है। क्रूड ऑयल के दाम कम होते हुए भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। साथ ही कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन के अभाव में देश में किसी की मौत नहीं हुई। केंद्र सरकार के सदस्यों में से ही एक ने यह स्टेटमेंट दिया है। यह सरकार असंवेदनशील है, इन्हें आम जनता से कोई लेन देन नहीं है। सामान्य जनता की आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए आने वाले दो दिनों में ही युवक कांग्रेस द्वारा सांसद पर मोर्चा निकाला जाएगा। महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस वतीने आज संपूर्ण महाराष्ट्र मध्ये वाढती महागाई आणि इतर अनेक विषयांच्या संदर्भामध्ये आंदोलन संपूर्ण राज्यामध्ये होते आणि या अनुषंगाने राज्याच्या उपराजधानी नागपूरमध्येही मोठ्या स्वरूपात संपूर्ण तालुक्यातून आणि शहरातल्या विविध वार्डातून तरुण मंडळी एकत्रित झालेली आहे आणि आंदोलनाचा हा पवित्र हाती घेत असताना आपल्या सर्व लोकांना सांगू इच्छितो की ज्या पद्धतीने महागाई वाढत आहे, महागाई वाढण्याचं मूळ कारण हे आहे की पेट्रोल डिझेल चे दर आपण जर पाहिले तर ते आज 100 वरती चालले गेले। एका बाजूला आपल्या सर्व लोकांना आठवतं की ज्यावेळेस क्रूड ऑईलचे रेट वरती संपूर्ण ह्या गोष्टी भरत असतात आणि क्रूड ऑईलचा रेट आज कमी असताना, प्रति बॅरल जो रेट आहे तो कमी असताना आज पेट्रोलचा आणि डिझेलचा रेट हा अति जास्त करून ठेवलेला आहे। केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण महंगाई आसमान छू रही है, लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि काले कृषि कानून किसानों के जीवन को मिटा देते हैं और राजनेताओं, पत्रकारों और न्यायाधीशों के फोन टैप किए जाते हैं। ऐसा हल्ला बोल आंदोलन के दौरान दुग्ध व पशु संवर्धन मंत्री द्वारा कहा गया है। वेगळ्या पद्धतीने उपयोग करून लोकांना दहशत निर्माण करून आपले सरकार टिकवण्याचा उपक्रम आहे। लोकशाहीमध्ये समजा सरकार टिकवायचे असेल तर लोकांच्या विश्वासाने प्रेमाने टिकवली पाहिजे, हा मूलभूत विषय ते विसरून गेलेले आहे। सत्तेचा उपयोग लोकांना धक्का दाखवण्याचा व ते विसरून गेले की या देशातील मातीत निर्माण झाले लोक हे ब्रिटिशाला घाबरले नाही, या छुटपुंजा लोकांना जास्त काही घाबरणार नाही आणि 2024 याला आपल्या घरी जायचा रस्ता पाहावा लागेल, त्याला एवढं त्या ठिकाणी माझ्या सूचना आहे, त्याला आभार। महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार के विरोध में हल्ला बोल आंदोलन किया गया। इस हल्ला बोल आंदोलन से क्या महंगाई कम होगी, क्या पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आएगी, ये तो अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।